So, have you decided where we are going? Kabir, yaar, I'm so confused. I mean, there are so many beautiful places in South. Tum hi bata do kahan jana hai. Koi bhi place utha lo. Mujhe to mazaa hi karna hai tumhare saath. Kabir, come on. Okay, let me take the pictures. Arre yaar. Kya soch rahe ho? पता नहीं अंदर से एक डर सा लग रहा है। किस बात का डर है तुम्हें? ये दिन निकल जाएंगे। I mean, अभी तुम 20s में है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये सारे मजे खत्म हो जाएंगे। ऐसे ख्याल मुझे भी आते हैं। Maybe क्योंकि हम जिंदगी को सिर्फ एक ही एंगल से देख पा रहे हैं। तो एक ही तो जिंदगी मिली है मजे करने के लिए। पर इसी एक जिंदगी से और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद के मतलब से बाहर निकलकर जिंदगी को देख पाते हैं इस जमाने में। मैं नहीं मानता। अरे फिर तो तुम्हें कोयंबटूर की ये अम्मा की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। आजकल ट्रेंडिंग पे ही है। अच्छा ठीक है, चाय लेके आता हूँ। ओके। कहाँ जा रहे हैं हम? मैं ले जाती हूँ ना तुम्हें, तब तक तुम ये पढ़ो। सन 1996, वड़ी वेलमपालयम, हिंदुस्तान के दक्षिणी कोने में बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोग अपना गुजर बसर खेती बाड़ी पे चलाते थे। ये कहानी इसी गांव में अपनी जिंदगी के 60 साल गुजार चुकी कमला थल की है। लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। शाबर रेडी आ गया। अभी तो खाना नहीं बना। बन गया है। जल्दी दी दो। पीने के सिवा और कोई काम नहीं है तुम्हें? चुप कर। इस साल भी बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। अब ये खेत के भरोसे जिंदगी नहीं कटेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि घर चलाने का कोई और तरीका भी सोचना पड़ेगा। हाँ तो तुम सोचो कोई दूसरा तरीका, ठीक है? अपनी अम्मा को बोलो, वो सोचे। Thank you.
बचपन से ही गरीबी में जी रही अम्मा के लिए सिर्फ खेती के सहारे दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था, और उन्हें पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था कि खाना इंसान की पहली ज़रूरत है। शायद इसीलिए देश के अलग अलग प्रांत से आए इन प्रवासी मजदूरों की हालत देख सुनो वो दुखी थी। जी अम्मा, नमस्ते अम्मा। नमस्ते नमस्ते, यहाँ के नहीं लग रहे हो? हाँ जी, हम गुजरात से हैं, यहाँ पर नए ही रहने आए हैं। आप? मैं तो बचपन से यहीं पे रहती हूँ। एक बात पूछूँ अम्मा? पूछो। आप यहाँ शमशान के सामने क्यों बैठे हो? मेरे पांच बच्चों में से चार का क्रियाकर्म इधर ही हुआ था, तीन बेटी और एक बेटा। और पांचवा बच्चा? वो पीता है। माफ करना माँ, मुझे पता नहीं था। बच्चे को दूध पिलाती हो या नहीं? जी हम पूरा दिन काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब दिन का 20 रुपये कमाते हैं। उतने में तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल से निकलता है। एक रुपया निकाल सकती हो? हाँ, क्यों? मैं खिलाऊंगी तुम लोगों को 1 रुपये में खाना। सिर्फ रुपया में? हाँ, तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं सबको बता देना, कल से अम्मा के घर दिन का खाना 1 रुपये में मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, पर आप ये किस लिए कर रही हो? मैं नहीं चाहती कोई भी इंसान भूख की वजह से मरे। अम्मा, हम वापस गुजरात जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा दिया नहीं बुझने दिया, एक माँ की तरह खिलाया पिलाया हमें। सब ठीक हो गया माँ? वहाँ इसके पापा को एक अच्छा काम मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। आप बस बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए। एक मिनट। What?
बच्चे को पहना देना। बच्चे बच्चे सुखी रहना। कितना पैसा हुआ अम्मा? पिछले महीने रोज 600 इडली बना रही थी, इस बार शायद 700 बना पाऊंगी। यह सब छोड़ो, मुनाफा कितना हो ये बताओ। इस महीने 100 इडली ज्यादा बना पाऊंगी, वही मुनाफा। क्या फायदा इडली बेचने का? मैं इडली नहीं, प्यार बेच रही। इतना प्यार आता कैसे लोगों पे अम्मा? खुद के अंदर जितना प्यार भरा हुआ होता है उतना आता है। कुछ लोगों के अंदर कम प्यार होता है तो अपने दो चार लोगों को प्यार करके जिंदगी गुजार लेते हैं। मेरे पास इतना प्यार भरा हुआ है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए बांट रही हूं। नील, यह अंदर रख। इस तरह अम्मा का इरादा बुलंद होता गया और देखते ही देखते 25 साल गुजर गए। 25 साल। इन सालों में ना तो अम्मा के सोने और जगने का समय बदला, ना ही इडली के दाम। और एक भी दिन ऐसा नहीं था कि अम्मा के घर के चूल्हे पर लोगों के लिए इडली ना पकाई गई हो। देश और दुनिया में कोरोना का कहर मचा हुआ है। अब यह बीमारी दुनिया के हर एक कोने में फैल गई है। मैं इस वक्त कोयम्बटूर के एक छोटे से गांव में मौजूद हूं। इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। रहने का। अम्मा ये लो रुपए। अम्मा आप इतने सालों से सिर्फ एक रुपए में हम सबको इडली दे रही हो, यही बहुत है। कोरोना चल रहा है, अभी दवा की जरूरत पड़े तो ये पैसा खर्च करना। अम्मा हम सबके लिए आप अन्नपूर्णा देवी हो। हम्म
नील रुक। इसमें इडली सांबार चटनी सब है, तुम्हारे मजदूर भाई बहनों को बांट देना। ठीक है, मेरा इतना काम करो। अम्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया में चल रहे कोरोना के कारण भूख से लड़ रहे मजदूर अम्मा के घर के बाहर बेबस खड़े थे, पर कोई ये नहीं जानता था कि अम्मा अपने आप से ही लड़ रही थी। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी इडली का दाम बढ़ाने का टाइम आ गया अम्मा। बेरोजगार हो चुके सब, अब तो एक रुपया ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बाहर सब दुकान बंद है, किराने का सामान भी नहीं मिल रहा है। अम्मा अभी और कितना दिन ऐसे सबको खाना खिला पाओगे बताओ? अभी 15 दिन चले, इतना किराना का सामान है, उसके आगे मैं नहीं सोच रही। अम्मा इतने सालों में पहली बार आपके इस इडली को किसी ने चैलेंज किया है, और ये चैलेंज किसी और ने नहीं, सीधा ऊपर वाले ने किया है। ये इडली यज्ञ 25 साल पहले शुरू हुआ, और ये मैंने नहीं, ऊपर वाले ने ही शुरू किया था। अब अगर बंद भी हो जाता है तो वो भी ऊपर वाले की मर्जी, पर जब तक मेरे पास इडली का सामान है, मैं इन लोगों को सिर्फ 1 रुपए में ही इडली खिलाऊंगी, और जरूरत पड़े तो मुफ्त भी। पहली बार तुझे ऐसा दुखी देख रहा हूं भाई, क्या बात है यार? ये अम्मा इतने सालों से जो काम कर रही है उसके बारे में इस विलेज के बाहर कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूं ये बात लोगों तक पहुंचे। पर पहुंचेगी कैसे लोगों तक? यार वही तो मैं सोच रहा हूं। अच्छा सुन, एक काम करेगा? बोलना क्या करना है। तू कल मिल अम्मा के घर के बाहर मुझे। ठीक है। आज की ट्रेंडिंग न्यूज, कोयंबटूर में रहने वाली 85 साल की के कमला थल पिछले 25 सालों से सिर्फ 1 रुपए में इडली बेचकर गरीबों का पेट भर रही है। कोरोना के दौरान भी उन्होंने इडली के दाम बढ़ाने से इनकार कर दिया था और अपने घर न लौट पाने वाले मजदूरों का पेट भर रही थी, पर अब ग्रोसरी का सामान खत्म हो जाने की वजह से अम्मा मुश्किल में है। अम्मा वो इडली मिलेगा? अयो सामी, इडली तो खत्म हो गई, कुछ और खाना बनाती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, हम तो बस आपसे ही मिलने आए हैं। अरे तू बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ।
अरे ये सब ये यहाँ पे रख दो बेटा, बाकी सब बाहर लगा दो। ये सब करने की क्या जरूरत है? अम्मा एक्चुअली ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपने जो 25 साल पहले जो आपने किया था ना, ये सब वहीं वापस आ रहा है। क्या बोल रहा है तू बेटा? ये याद है आपको? मैंने तो पहनाया था, मुझे लग रहा था मेरा इडली यज्ञ बुझ चुका है। आपका इडली यज्ञ बुझा नहीं है अम्मा, वो अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। देश के कुछ नामी लोग अम्मा की मदद के लिए आगे आए। देखते ही देखते दुनिया के 140 देशों में अम्मा इडली अम्मा के नाम से मशहूर हो गई। आज 85 साल की उम्र में भी इडली अम्मा के घर से कोई भी इंसान भूखा वापस नहीं जाता है। इडली अम्मा जैसे लोगों की वजह से ही भारत एक खास देश है।